हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन एक बार फिर से आपके साथ। यहाँ पर हम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में मैथ्स और मैथ्स पैडागोजी का पोर्शन कवर कर रहे हैं। इसमें हमारा संख्या सिद्धांत नाम का टॉपिक चल रहा था। कल हमने समझा था कि सामान्य संख्याओं को हम रोमन पद्धति में किस प्रकार लिखते हैं, और अगर रोमन पद्धति में पहले से लिखा हुआ है तो उसको हम सामान्य संख्याओं के रूप में किस प्रकार से लिखते हैं। आज हमारा जो इसमें टॉपिक है वो है हमारा विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम मतलब कोई संख्या दी गई है उसमें किस संख्या से भाग जाएगा, किस संख्या से भाग नहीं जाएगा, ये हमें पता करना है। तो इसके लिए हमें विभाज्यता के नियम समझना पड़ेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 2 से किस तरह से किस संख्या में भाग जाता है या नहीं जाता है, उसके लिए क्या रूल फॉलो होता है। उसी प्रकार से 3 के लिए, 4 के लिए, और कम से कम हमें 11 तक की संख्या, 11 तक के अंकों द्वारा विभाज्यता के नियम याद रखना पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता यहां पर आपको समझते चलना है और साथ में नोट्स भी बनाते चलना है, जिससे कि आगे परीक्षा के समय रिवीजन करने में आपको कोई भी दिक्कत ना जाए। तो 2 से विभाज्यता का जो नियम है उसके लिए हमें केवल अंतिम अक्षर देखना है, अंतिम अंक देखना है संख्या का। अंतिम अंक अगर 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, तो वो संख्या पूरी तरह से 2 से विभाज्य होगी। क्या याद रखना है? कोई कितनी भी बड़ी संख्या हमें दी गई हो, उसका अंतिम अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यानी कि सम है, सम संख्या है, अंतिम अंक के रूप में सम अंक है या फिर 0 है, तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे कि हमने लिख दिया 1508, तो पूरी संख्या में हमें 2 से भाग देकर नहीं देखना पड़ेगा कि ये 2 से विभाज्य है या नहीं। इसमें हम केवल अंतिम अंक देखेंगे। अंतिम अंक है 8, और 8 में 2 से भाग चला जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 2 से भाग चला जाएगा। चेक कर लेते हैं, 2 से किया हमने इसमें भाग, 2 से 15 में जाएगा 7 बार, बचा 1, आगे है 0, 10 हो जाएगा, 2 का 10 में जाएगा 5 बार, और 2 का 8 में जाएगा 4 बार। इस तरह से 754 बार पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? अंतिम अंक जो है वो या तो 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4, या 6, या 8। इसके अलावा अगर कोई और अंक है तो वो 2 से विभाज्य नहीं होगी संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का जो नियम है उसमें हमें करना क्या है, जो संख्या दी गई है उसके अंकों को जोड़ना है। अंकों का जो योग होगा उसमें अगर 3 से भाग चला जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 3 से भाग चला जाएगा। जैसे कि हमने लिखा 729, नियम क्या कहता है? अंकों का जो जोड़ है 3 से विभाज्य होना चाहिए। अंकों को जोड़ के देखेंगे, अगर जोड़ जो है 3 से विभाज्य होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे कि यहां पर ये लिखा हुआ है 729, इसके अंक क्या है? 7 + 2 + 9, 7 और 2 9, 9 और 9 18 होगा, जो कि 3 से पूरी पूरी तरह विभाज्य हो जाता है। तो 729 भी 3 से विभाज्य होगा। चेक कर लेते हैं, 3 से हम इसमें भाग करेंगे, 3 का 7 में कितने बार जाएगा? 2 बार, 3 × 2 = 6, बचा 1, और आगे है 2, तो 12 में 3 का भाग जाएगा कितने बार? 4 बार, और 3 का भाग 9 में जाएगा कितने बार? 3 बार। इस तरह से 243 बार पूरी पूरी तरह से भाग चला जाता है। तो अंकों का योग हमें देखना है, 3 से विभाज्य होना चाहिए। कोई और संख्या देख लेते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, यानी कि 12345, इसमें 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा ये चेक करना है। तो
अंकों को जोड़ लेंगे, एक और दो हो जाएगा तीन, और तीन छह, और चार दस, और पांच पंद्रह। पंद्रह में तीन से भाग चला जाता है तो इस संख्या में भी तीन से भाग चला जाएगा। चेक कर लेते हैं हम, तीन का भाग बारह में जाएगा चार बार, तीन का भाग तीन में जाएगा एक बार, तीन का भाग चार में जाएगा एक बार, बचेगा एक, आगे है पांच, तो हो गया पंद्रह, और तीन का पंद्रह में जाएगा पांच बार। इस तरह से तीन का भाग पूरी पूरी तरह से चला गया है। अब देखते हैं चार से विभाज्यता का नियम। चार से विभाज्यता के नियम के लिए हमें ध्यान में रखना है कि अंतिम दो अंक, अंत के दो अंक चार से विभाज्य होना चाहिए। अंतिम दो अंक चार से विभाज्य होना चाहिए। एक और कंडीशन होती है, अंतिम दो अंक जीरो होना चाहिए। या तो कंडीशन नंबर फर्स्ट है तो चार से विभाज्य होगी संख्या, या कंडीशन नंबर सेकंड है तो भी वो चार से विभाज्य होगी। पहली कंडीशन देख लेते हैं, अंतिम दो अंक चार से विभाज्य होना चाहिए। जैसे कि हमने संख्या लिख दी 416, यहां पर हमें चेक करना है कि चार से विभाज्य है या नहीं, तो हमें अंत के दो अंक देखना है। अंत के दो अंक क्या है, 16। 16 हमें चार से भाग चला जाता है, जी हाँ चला जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी चार से भाग चला जाएगा। एक बार हम चेक कर लें चार से भाग जाता है कि नहीं, चार से चार में जाएगा एक बार। अब एक है छोटा तो हमें दोनों अंक लेना पड़ेंगे, तो यहां लग जाएगा जीरो। चार का 16 में कितने बार, चार बार, तो 104 बार पूरा पूरा भाग चला जाता है। कोई और संख्या देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है 20 24, इसमें चार से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। अंतिम दो अंक है यहां पर 24, 24 में चार का भाग चला जाता है तो इस पूरी संख्या में भी चार से भाग चला जाएगा। चेक कर लेते हैं, चार का 20 में जाएगा पांच बार, ये दो है छोटा तो दोनों अंक लेना पड़ेंगे हमें, तो यहां पर लगेगा जीरो। चार का 24 में जाएगा कितने बार, छह बार, 506 बार पूरी पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। तो पहला नियम आप समझ गए होंगे कि अंतिम दो अंक देखना है, वो चार से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी चार से विभाज्य होगी। चलिए देखते हैं नियम नंबर दूसरा इसका, अंतिम दो अंक जीरो होना चाहिए। अगर अंत में दो जीरो हैं, जैसे कि लिखा हुआ है 600, यहां पर अंत में कितने जीरो हैं, दो, तो वो संख्या चार से विभाज्य होगी। चार का भाग छह में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, बचेगा दो, और आगे लिखा हुआ है जीरो, तो चार का भाग 20 में कितने बार जाएगा, पांच बार, और अंत में जीरो है तो क्या आ जाएगा, जीरो। 150 बार पूरी पूरी तरह से ये विभाज्य हो जाएगा चार से। तो इतना ही हमें ध्यान में रखना है कि अंतिम दो अंक या तो चार से विभाज्य होना चाहिए या फिर अंत में दो शून्य होना चाहिए तो वो संख्या चार से विभाज्य होगी। देख लेते हैं अब पांच से विभाज्यता का नियम। पांच से विभाज्यता ये बहुत आसान है, अगर अंत में जीरो हो, अंत में जीरो हो या पांच हो तो संख्या पांच से विभाज्य होगी। हमें चेक करना है कि अंतिम अंक जो है वो या तो जीरो होना चाहिए या फिर पांच होना चाहिए तो वो संख्या पांच से विभाज्य होगी। जैसे कि हम चेक कर लेते हैं कोई क्वेश्चन, जैसे कि लिखा हुआ है 20 25, यहां पर अंतिम अंक क्या है, पांच, इसका मतलब ये पांच से विभाज्य होगी। पांच का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, चार बार। अब दो है छोटा तो हमें दोनों अंक लेना पड़ेंगे, 25 लेना पड़ेगा, तो यहां लगेगा जीरो। पांच का 25 में कितने बार जाएगा, पांच बार। इस तरह 405 बार पूरा पूरा भाग चला जाता है। अगर अंत में जीरो है, यहां पर अंत में है जीरो, तो ये भी पांच से विभाज्य होगा। पांच का 10 में जाएगा दो बार, और दो जीरो है तो ये दो जीरो आ जाएंगे। इस तरह से पांच से विभाज्यता का नियम बिल्कुल आसान है, हमें केवल अंतिम अंक देखना है, या तो जीरो होना चाहिए या फिर पांच होना चाहिए तो वो पूरी संख्या पांच से विभाज्य होगी। देख लेते हैं छह से विभाज्यता का नियम। छह से विभाज्यता, छह जो है वो किस किस संख्या का गुणनखंड है, दो का भाग छह में जाता है तीन बार, और तीन का भाग तीन में एक बार, तो छह के जो गुणनखंड है वो है दो और तीन। यानी कि अगर कोई संख्या दो और तीन दोनों से विभाज्य होती है तो वो संख्या छह से भी विभाज्य होगी। ध्यान से सुनना है सभी को,
वो संख्या दो और तीन दोनों से विभाज्य होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल दो से विभाज्य हो रही तीन से नहीं हो रही, या तीन से विभाज्य हो रही दो से विभाज्य नहीं हो रही। अगर दोनों से विभाज्य है तो वो संख्या छह से भी विभाज्य होगी। जैसे कि ये लिखा हुआ है 606, तो ये संख्या दो से विभाज्य होगी क्योंकि अंतिम अंक छह है। दो से विभाज्यता का नियम क्या देखा था हमने, कि अंतिम अंक जीरो होना चाहिए या दो या चार या छह या आठ, तो यहां पर छह है तो ये दो से विभाज्य होगी। तीन से भी विभाज्य होगी ये संख्या, क्योंकि तीन से विभाज्यता का नियम था कि अंकों का योग तीन से विभाज्य होना चाहिए, तो यहाँ पर अंक है छः और यहाँ पर भी अंक है छः। छः और छः कितना हो जाएगा, बारह। बारह जो है तीन से विभाज्य है, मतलब ये संख्या तीन से भी विभाज्य है। ये संख्या दो और तीन दोनों से विभाज्य है, अतः यह छः से भी क्या होगी, विभाज्य होगी। जैसे कि छः का छः में एक बार, जीरो का जीरो आएगा, और छः का छः में कितने बार, एक बार, 101 बार ये संख्या पूरी तरह से छः से विभाज्य हो जाएगी। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये संख्या दो से विभाज्य है क्योंकि अंत में आठ है। ये संख्या तीन से विभाज्य होगी क्या, चेक कर लेते हैं। एक और दो तीन, और तीन छः और चार दस, पाँच पंद्रह, छः 21 7 28 और आठ 36। 36 में तीन से भाग चला जाता है, अतः ये संख्या तीन से विभाज्य होगी। अब ये दो से भी विभाज्य है और तीन से भी विभाज्य है, तो इसका मतलब है ये संख्या छः से भी विभाज्य होगी। छः से किस तरह विभाज्य होगी हम देख लेते हैं। 6 दूना 12 हो जाएगा। अगला अंक है 3 जो कि छोटा है, तो हमें दो अंक लेना पड़ेंगे, तो यहाँ 0 लग जाएगा, ये हो जाएगा 34। 6 का 34 में 6 5 30 बचा 4, और अगला अंक है 5, तो ये हो जाएगा 6 7 42, बचेगा 3। अगला अंक है 6, तो 6 का 36 में कितने बार, 6 बार। अगला अंक है 7, तो 6 एकम 6 बचा 1, और आगे है 8, तो 6 का 18 में कितने बार, 3 बार। इस तरह से हमें भागफल मिला 20 57 613। तो आप सभी समझ गए होंगे 6 से विभाज्यता का नियम। अब देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम अंक का दोगुना कर देंगे। कोई संख्या है उसका अंतिम अंक जो है उसका दोगुना कर दिया जाएगा, और शेष संख्या में से क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। अब अगर शेषफल हमें जो मिलता है वो 7 से विभाज्य होता है, या फिर वो शेषफल 0 होता है, तो इसका मतलब है वो संख्या 7 से विभाज्य होगी। एक बार दोबारा आप सभी ध्यान से समझें 7 से विभाज्यता का नियम। अंतिम अंक को दो गुना करके शेष संख्या से घटाने पर यदि शेषफल 0 प्राप्त हो या शेषफल 7 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। चलिए देख लेते हैं कोई एग्जाम्पल। जैसे कि हमने लिख दिया 343, 343। अब हमें चेक करना है कि ये संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं। तो क्या नियम है 7 से विभाज्यता का, अंतिम अंक को दोगुना करने पर। अंतिम अंक क्या है, 3, तो 3 का दोगुना कितना होगा, 6। अंतिम अंक को दोगुना करके शेष संख्या से घटाने पर, शेष संख्या 3 को अंतिम अंक को दोगुना किया, 3 को दोगुना किया, आया 6। बाकी शेष संख्या क्या है, 34, तो इससे घटाएंगे हम इसको, तो 34 में से जब 6 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 28 मिलेगा। तो यदि शेषफल 0 प्राप्त हो, तो यहाँ शेषफल 0 तो प्राप्त नहीं हो रहा, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, यदि शेषफल 7 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। यहां हमें शेषफल 28 मिला जो कि 7 से विभाज्य है। 7 से कितने बार, 4 बार विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। एक बार दोबारा ध्यान देंगे सभी, अंतिम अंक को दोगुना करने पर, तो अंतिम अंक है 3, इसको दोगुना किया, मिला हमें 6। शेष संख्या से घटाने पर, शेष संख्या बची 34, इसमें से हम 6 क्या कर देंगे, माइनस,
तो शेषफल जीरो प्राप्त हो, तो जीरो तो नहीं प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ 28। या शेषफल सात से विभाज्य हो, तो 28 जो है सात से विभाज्य है पूरा पूरा, तो संख्या भी सात से विभाज्य होगी, यानी कि 343 भी सात से विभाज्य होगा। चेक कर लेते हैं, सात का 34 में, सात चौके 28, बचा 6 है, आगे है 3, तो हो गया 63, सात नाम 63। इस तरह से 49 बार ये पूरी पूरी तरह डिवाइड हो जाता है सात से, तो ये है सात से विभाज्यता का नियम। एक और नियम है इसका, ये पहला नियम हुआ, ये सेकंड नियम। अगर कोई संख्या लगातार 6 बार आती है, तो वह सात से विभाज्य होगी। अगर कोई अंक या फिर कोई संख्या लगातार 6 बार आती है तो वो सात से विभाज्य होगी। जैसे कि हमने लिख दिया एक 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 6 बार, इसमें सात से विभाज्य भाग चला जाएगा। देख लेते हैं, सात का 11 में एक बार, बचा 4, आगे है 1, सात का 41 में 5 बार, 35, बचा 6, आगे फिर से 1, सात 8 56, 8 बार 56, 61 में से 56 माइनस कर देंगे तो बचेगा 5। अगला अंक है 1, सात का 51 में 7 बार, 49, बचा 2। अगला अंक है 1, सात ती 21, तो इस तरह से 15873 हमें मिला। इतने बार में ये सात से पूरी पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी संख्या। तो सात से विभाज्यता का नियम ये है, आप लोग नोट करते चलें सभी नियम, जिससे कि आगे कोई दिक्कत ना आए। और साथ में आप लोग डेली जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो लेक्चर्स देख रहे हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को आपको अधिक से अधिक सॉल्व करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि गणित तभी बनती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपसे गणित बनेगी। केवल वीडियो देख लेने से आप लोग अच्छे नहीं हो पाएंगे गणित में। आपको जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं उससे संबंधित आपको सवाल करना है किताबों में से, और प्रैक्टिस करना है, तभी आप अच्छे से इसमें कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। चलिए देखते हैं आठ से विभाज्यता का नियम। तो आठ से विभाज्यता का नियम कुछ चार से मिलता जुलता है। चार का विभाज्यता का जो नियम था वो था अंतिम दो अंक चार से विभाज्य होना चाहिए। तो यहां पर अंतिम दो अंक नहीं देखना है, हमें देखना है अंतिम तीन अंक। अंतिम तीन अंक आठ से विभाज्य हाँ, तो पूरी संख्या भी आठ से विभाज्य होगी। जैसे कि हमने लिख दिया चालीस आठ सौ आठ, हमें चेक करना है अंतिम तीन अंक। तो अंतिम तीन अंक, अंतिम तीन अंक आठ से विभाज्य हैं क्या? हाँ, आठ एकम आठ, जीरो का जीरो और आठ एकम आठ। इस तरह से अंतिम तीन अंक अगर आठ से विभाज्य हैं तो पूरी संख्या भी आठ से विभाज्य होगी। चेक कर लेते हैं हम, आठ का चालीस में जाएगा कितने बार? पाँच बार। आठ का आठ में जाएगा एक बार, जीरो का आएगा जीरो, आठ का आठ में एक बार, 5101 बार आठ का इसमें पूरी पूरी तरह से भाग चला जाएगा। इसका जो दूसरा नियम है, चार के विभाज्यता का दूसरा नियम था अंत में दो जीरो हो तो वो चार से विभाज्य होती है। यहां पर अंत में अगर तीन जीरो मिलते हैं, यदि अंत में तीन जीरो हो तो संख्या आठ से विभाज्य होगी। जैसे कि हमने लिख दिया 5000, इसमें अंत में तीन जीरो हैं तो ये आठ से विभाज्य होगी। चेक कर लेते हैं, आठ का 50 में आठ छंग 48, बचा 2, आगे है 0, आठ दूना 16, बचा 4, आगे 0, आठ पंचे 40, तो 625 बार में ये पूरी पूरी तरह से आठ से विभाज्य है। तो चार से विभाज्यता का जो नियम है उसी टाइप का नियम है आठ से विभाज्यता का। तो आपको कोऑर्डिनेट होके चलना है, सहसंबंध बना के चलना है,
कि जैसा चार की विभाज्यता का नियम है, कुछ कुछ उसी प्रकार से आठ की विभाज्यता का भी नियम है। चलिए अब आते हैं अपन नौ से विभाज्यता का नियम। नौ से जो विभाज्यता का नियम है वो कुछ कुछ तीन की विभाज्यता के नियम से मिलता जुलता है। तीन की विभाज्यता का जो नियम था वो था कि अंकों के योग में अगर तीन से भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में भी तीन से भाग चला जाएगा। यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से है, अगर अंकों के जोड़ में नौ से भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में भी नौ से भाग चला जाएगा। यानी कि अंकों के जोड़ में यदि नौ से भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी नौ से भाग चला जाएगा। जैसे कि हमने यहां पर लिख दिया ये लिख दिया हमने 1 2 3 4 5 3। हम अंकों को जोड़कर देखते हैं, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 3 18। 18 में 9 से भाग चला जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 9 से भाग चला जाएगा। चेक कर लेते हैं हम, 9 का 12 में जाएगा एक बार, बचा 3, आगे फिर से 3, 9 3 27 कितना बचा 6, अगला अंक है 4, 9 7 63 बचा 1, आगे है 5 15, 9 1 9 बचा 6, आगे है 3, 9 7 63। इस तरह से 13,717 बार 9 से पूरा पूरा भाग चला गया है संख्या में, क्योंकि अंकों के जोड़ में 9 से भाग जा रहा था। तो ये है 9 से विभाज्यता का नियम। अब चलते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम, 10 से विभाज्यता का नियम सबसे आसान है। अंतिम अंक अगर 0 होता है तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगी। यदि अंतिम अंक 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगी। जैसे कि ये लिखा हुआ है 90 80, अब इसमें अंत में 0 है तो ये 10 से विभाज्य होगा। कैसे? 10 का भाग करेंगे, 90 में जाएगा 9 बार, अब ये छोटा है तो आएगा 0, ये 80 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 से 8 80, 908 बार पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो सबसे सिंपल है 10 से विभाज्यता का नियम। चलिए अब देख लेते हैं हम लास्ट वाला जो नियम है, 11 से विभाज्यता का नियम। वो 11 से जो विभाज्यता का नियम है उसमें हमें देखना है कि सम स्थानों पर अंकों का योग निकालना है और विषम स्थानों पर अंकों का योग निकालना है, और फिर उन दोनों को माइनस करना है। अगर शेषफल 0 आता है या फिर शेषफल 11 से पूरी तरह विभाज्य हो जाता है तो वो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। एक बार और समझ लें नियम। सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग में से विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग को घटाया जाए और शेषफल 0 प्राप्त हो या शेषफल 11 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। थोड़ा बड़ा नियम है लेकिन है बहुत आसान। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे कि हमने लिख दिया 121। सबसे पहले नियम हमें देख लेना है, लिखा हुआ है सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग। सम स्थान कौन से होते हैं? दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां। तो यहां पर केवल एक ही सम स्थान है और वो है 2।
विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग को घटाया जाए, विषम स्थान कहलाते पहला तीसरा पांचवा, इस तरह से। तो पहला विषम स्थान है एक और तीसरा विषम स्थान है एक, इनको इनका जोड़ कितना हुआ दो, इसको घटाया जाए और शेषफल क्या प्राप्त हो जीरो, तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी, यानी कि ये 121 11 से विभाज्य होता है। एक बार चेक कर लेते हैं हम, 11 से 11 एकम 11 बचा एक और आगे एक तो फिर से 11, 11 एकम 11, 11 बार ये डिवाइड हो जाता है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है 13 31, सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग, सम स्थान कौन कौन से हैं, दूसरा और चौथा, इनका योग कितना होगा 3 और 1 4, और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग 1 और 3, ये भी कितना 4, इसको घटाया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त हो 0, तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी, ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। चेक कर लेते हैं हम, 11 एकम 11 बचा 2 आगे है 3, 11 दूना 22 बचा 1 आगे है 1, 11 एकम 11, 121 बार ये संख्या पूरी तरह से 11 से विभाज्य हो जाती है। तो इस तरह से हमें देख लेना है। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इस तरह से हमने लिख लिया 16 36 36। अब हमें चेक करना है कि 11 से विभाज्य होती है या नहीं, तो सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग निकालेंगे। पहले सम स्थान है दूसरा चौथा और छठवां, 6 6 6 ये हुआ 18, और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग हम देखेंगे, विषम स्थान है 1 3 3, 1 और 3 4 और 3 7, इसको घटाया जाएगा, 18 में से 7 घटे तो कितना मिला हमें 11, और जो शेषफल है वो 11 से विभाज्य हो, 11 11 से विभाज्य होता है, तो पूरी संख्या भी 11 से विभाज्य होगी, ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य होती है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, ये लिखा हुआ है 11, 11 एकम 11 बचे 5 आगे 3, 11 चौके 44 बचे 9, अगला है अंक 6, 11 8 88 बचा 8, अगला अंक है 3, 11 7 77 बचा 6 आगे है 6, 11 चक 66, इस तरह से 14876 बार ये संख्या 11 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाती है। तो इस तरह से हमने समझा इस लेक्चर में कि 2 से लेकर 11 तक की संख्याओं के विभाज्यता के क्या नियम हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप सामान्य गणित कंपटीशन की पढ़ रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये विभाज्यता के नियम पता होना चाहिए। एक हम कोई ऐसी संख्या लेते हैं, उसमें हम चेक करेंगे 2 से 11 तक की संख्याओं में किस संख्या से भाग जाता है किससे नहीं जाता है। जैसे कि हमने लिख दिया ये 1 2 3 4 5 6, अब हमने जो भी नियम पढ़ी हुए यहां पर लगा के देखेंगे। सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम क्या था, अगर अंतिम अंक में 2 से भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में 2 से भाग चला जाएगा, या अंतिम अंक 0 2 4 6 8 में से कुछ हो तो 2 से भाग चला जाता है। तो यहाँ पर अंतिम अंक 6 है तो इस संख्या में 2 से भाग चला जाएगा, ये 2 से डिवाइड होगी। अब देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम, अगर अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए तो वो 3 से विभाज्य होगी। अंकों का योग निकाल कर देखते हैं हम, 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21, 21 में 3 से भाग चला जाता है तो ये संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। अब देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम क्या था, 4 से विभाज्यता का नियम, अगर अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या में 4 से भाग चला जाता है। अंतिम 2 अंक यहाँ पर 56 है, इसमें 4 से भाग जाता है क्या, 4 एकम 4 बचा 1 आगे 6, 4 का 16 में 4 बार, जी हाँ पूरा पूरा भाग चला जाता है तो ये संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम क्या था, अंतिम अंक 0 हो या फिर 5 हो तो 5 से भाग जाएगा, लेकिन यहां पर ना तो 0 है ना 5 है तो ये 5 से विभाज्य नहीं है। 6 से विभाज्यता का नियम, अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वो 6 से विभाज्य होगी, ये जो संख्या है वो 2 से भी विभाज्य है 3 से भी विभाज्य है तो ये 6 से विभाज्य होती है। 7 से विभाज्यता का नियम क्या था, अंतिम अंक का दोगुना कर दिया जाए और बाकी संख्या में से घटाया जाए और शेषफल जो है वो 7 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। अंतिम अंक 6 है, इसका दोगुना कर दिया जाए तो होगा 12 और शेष संख्या में से घटा दिया जाए तो शेष संख्या लिखी हुई है 1 2 3 4 5
पांच में से दो गया बचा तीन, चार में एक गया बचा तीन, तीन दो एक। इसमें अगर सात से भाग चला जाता है तो इस पूरी संख्या में भी सात से भाग जाएगा। सात एकम सात, बचा पांच, आगे है तीन, तो आएगा सात का सात बार 49, बचा दो आगे तीन, सात ती 21, बचा दो आगे तीन। अब सात का भाग पूरी तरह से नहीं जाएगा तो ये संख्या सात से विभाज्य नहीं है। अब देख लेते हैं हम आठ से विभाज्यता का नियम क्या था। आठ से विभाज्यता का नियम, अगर अंतिम तीन अंकों में आठ से भाग चला जाए, तो यहाँ अंतिम तीन अंक हैं चार पाँच छः, इसमें आठ से भाग जाता है क्या, आठ पंचे 40, तो 45 में से 40 माइनस किया बचा पाँच, आगे है छः, आठ सात 56। जी हाँ, पूरी तरह से आठ से भाग चला जाता है तो इस पूरी संख्या में भी आठ से भाग चला जाएगा। अब देख लेते हैं नौ से विभाज्यता का नियम क्या था। नौ से विभाज्यता का नियम, यदि अंकों का योग नौ से विभाज्य है तो वो संख्या पूरी तरह से नौ से विभाज्य होगी। एक और दो तीन, तीन छः, चार दस, पाँच पंद्रह और छः 21। 21 जो है नौ से पूरी पूरी तरह से विभाज्य नहीं होता है तो ये संख्या नौ से विभाज्य नहीं होगी। अब देख लेते हैं दस से विभाज्यता का नियम क्या था। दस से विभाज्यता का नियम, यदि अंत में जीरो हो तभी वो संख्या दस से विभाज्य होगी, लेकिन यहाँ जीरो ना होकर कितना है छः, तो ये संख्या दस से विभाज्य नहीं होगी। अब देख लेते हैं ग्यारह से विभाज्यता का नियम, सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग। सम स्थान है दो चार छः, तो दो और चार छः और छः 12, और विषम स्थानों पर स्थित अंक एक तीन पाँच, तो एक और तीन चार और पाँच 9 को घटाया जाए और शेषफल 11 से विभाज्य हो, लेकिन यहाँ शेषफल हमें मिला तीन जो कि 11 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। इस तरह से हमने समझा कि विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। अब आगे इस मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।